हाय हाय गाइस, गाइस। तो आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आपको बताएंगे वो सारे मज़ेदार और अफोर्डेबल फूड आइटम्स जो कि आप खा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिरहम में। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और आपका कंसर्न है कि आप दुबई आते हैं तो आप कैसे दुबई में सस्ते में खाना खा सकते हैं, आपके लिए बजट में यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ ही में इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने होटल में बैठे बैठे कौन से फूड डिलीवरी ऐप्स यूज़ करके दुबई में खाना मंगा सकते हैं, और इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे बेस्ट रेस्टोरेंट अपने आसपास के ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स लेट्स गो। गो। तो सबसे पहले बात करते हैं फलाफिल की, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न खाने की डिश होती है। अब तो ये इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है। तो अगर आप एक फलाफिल प्लेटर ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 10 से 15 दरम में मिल जाएगा। और अगर यही चीज़ आप किसी अरबिक रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपको इसके साथ सलाद, अचार, गार्लिक सॉस और ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो सिर्फ फलाफिल ऑर्डर करने पे आप भरपेट खाना खा सकते हैं। और फलाफिल प्लेट के साथ फलाफिल सैंडविच के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि वो आपको पीता ब्रेड के अंदर फलाफिल भर के, या फिर परौठा के अंदर या ब्रेड के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको 4 दरम से लेके 8-10 दरम के बीच में मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी चीप, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टेस्टी ऑप्शन। और अगर बात करें इंडियन खानों की तो उसमें पूरी और आलू की सब्जी, जिसको पूरी भाजी बोलते हैं, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जिसको मैं दिन के किसी भी टाइम खा सकती हूँ। तो ये भी आपको किसी रेस्टोरेंट में बहुत ही इजीली मिल जाएगी, किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में, स्पेशली डेरा बरदुबई जैसे एरियाज में, और जो कि सिर्फ 10 दरम में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। और मुंबई का वड़ा पाव तो पूरे इंडिया में फेमस है, तो वड़ा पाव भी आपको किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में 5-6 दरम के अंदर मिल जाएगा। और उसके अलावा मिसल पाव, जो कि महाराष्ट्र का फेवरेट स्ट्रीट फूड है, वो भी आपको बहुत ही इजीली 10-12 दरम के अंदर मिल जाएगा। प्लस अगर आप पाव भाजी के शौकीन हैं तो पाव भाजी भी आपको किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में 10-12 दरम के अंदर मिल जाएगी। तो अब अगर बात करें सैंडविचेस की, तो सैंडविचेस की तो बहुत बड़ी रेंज होती है, जिसके बारे में बात करने अगर लगे तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर बेसिक सैंडविचेस की बात करें, जैसे कि चीज़ जैम, चीज़ हनी, तो वो आपको 3-4 दरम से लेके जो क्लब सैंडविचेस हैं वो आपको 13-14-15 दरम के अंदर मिल जाएंगे। और क्लब सैंडविचेस इतने हेवी होते हैं कि 2 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। एटलीस्ट मसरूर और मेरा तो एक क्लब सैंडविच में पूरा पेट भर जाता है। और सैंडविचेस के अंदर फिलिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो कि आप ख़ुद से मेन्यू में चेक करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो एग में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नॉन वेज में भी आपको बहुत सारे टाइप के चिकन सैंडविचेस मिल जाएंगे। तो ये सब प्राइसेस जो हम बता रहे हैं, ये कैफेटेरिया के प्राइसेस हैं। यहाँ पर कैफेटेरियाज का बहुत ही कल्चर है, तो आप किसी भी नियरेस्ट कैफेटेरिया में जाके ये ऑर्डर कर सकते हैं। और छोले भटूरे नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड्स में से एक है, जो कि आपको 12 से 15 दरम में मिल जाएगा। और दुबई में सबसे अच्छे मुझे बीकानेर वाले के लगते हैं, तो अगर आप अलसीव जाएं तो बीकानेर से ज़रूर ट्राई करें। और अगर पराठों की बात करें तो आलू पराठा, प्याज पराठा, मूली पराठा, ये सब जो स्टफ्ड पराठे हैं वो आपको बरदुबई डेरा जैसे एरिया में किसी भी रेस्टोरेंट में 7 दरम से 10 दरम में मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन आइटम्स की। तो शवरमा यहाँ पर खाया जाने वाला सबसे कॉमन स्ट्रीट फूड है, जो कि आपको 5 दरम से लेके 7, 8, 9, 10 दरम में मिल जाएगा। और अगर आप हमारी तरह फूडी हैं और आपको अच्छा लगता है कि डिफरेंट कंट्रीज में जाके वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना, तो हमने उसके ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी दुबई लोकल फूड करके, जो कि आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करा था यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड के बारे में कि आप क्या क्या खा सकते हैं, उनका क्या प्राइस है और वो आपको कहाँ पर खाने को मिलेगा। और समोसा सिंह इज़ द किंग ऑफ इंडियन स्नैक्स। तो समोसे, ब्रेड पकौड़े जैसे इंडियन स्नैक्स आपको 2 दरम से लेके 4 दरम के बीच में आराम से कहीं पर भी मिल जाएंगे। और अगर आप रैप के शौकीन हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रैप्स 7 दरम से 15 दरम के बीच में बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। और समोसे के बाद अगर ब्रेड पकौड़े की बात करें, तो 2 ब्रेड पकौड़े खा के आपका पेट आराम से भर जाएगा, एटलीस्ट हमारा तो भर जाता है। तो 3 दरम में 1 ब्रेड पकौड़ा आता है, तो 6 दरम में आपका फुल पेट खाना हो जाएगा। और अगर अरेबिक स्नैक्स की बात करें तो ये है मनाकीश, जो कि काइंड ऑफ पिज़्ज़ा होती है, मगर पिज़्ज़ा से बहुत डिफरेंट होती है और बहुत टेस्टी होती है। इसमें ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टॉपिंग्स होती है, जो कि आप मेन्यू में से चूज़ कर सकते हैं। इनमें से हमारी फेवरेट है
चीज़ ज़्यादातर स्पिनच और लबने ऑलिव्स। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो देखने में टेम्पटिंग लगे या जो चीज़ आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सस्ती होती है, 5-6-7 दरम में आपको आराम से मिल जाएगी। तो जो लोग हमारे चैनल को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि हम दुबई ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और अगर आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम दुबई के लिए कस्टमाइज आइटनरी, वीज़ाज और टूर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है दुबई ट्रैवल से रिलेटेड तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और अगर साउथ इंडियन खाने की बात करें तो डोसा में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, तो डोसा भी आपको 7-8 दरम से लेके 12-15 दरम तक इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर डोसा बहुत ही टेस्टी होता है, किसी भी रेस्टोरेंट में आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इडली है ऑप्शन में, वो भी काफ़ी सस्ती होती है और टेस्टी होती है और फिलिंग होती है, तो एक प्लेट इडली भी आप पेट भर के खा सकते हैं, जो कि आपको 5-6 दरम से 7 दरम तक में मिल जाएगी। अगर आपको बाहर जाकर खाने का मन नहीं है तो आप अपने लोकेशन पर बैठे बैठे फूड डिलीवरी ऐप्स के थ्रू खाना भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, जैसे कि जोमैटो, तलाबात और डिलीवरू। आइए अब आपके साथ में एक प्रो टिप शेयर करते हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं कहीं पर भी अच्छा खाना ढूंढने के लिए। जब भी आप बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि आज कहाँ पर खाना खाएं, तो आपको लगता है कि ऐसा कोई आदमी हो जो आपको बता सके कि कौन सा रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसे सिचुएशन में आपको किसी एक आदमी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर जाकर आप सैकड़ों लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पर जाके सर्च करना है बेस्ट कैफ़े या रेस्टोरेंट या जो भी आप ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस गूगल पर दिख जाएंगे। फिर आप कुछ फर्दर फिल्टर्स जैसे कि लोकेशन, प्राइस, रेटिंग्स डालकर उन सैकड़ों रेस्टोरेंट में से कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट चूज कर सकते हैं। फिर जल्दी जल्दी आप टॉप रेटेड रेस्टोरेंट को पढ़ के उनके रिव्यूज देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनमें से कौन सा रेस्टोरेंट आपके टेस्ट के हिसाब से खरा बैठता है। यही सेम चीज आप जोमैटो पर भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर ट्रैवल अपडेट्स, यूएई में हो रहे टूरिस्ट अट्रैक्शंस, इवेंट्स और अपनी लाइफ से जुड़े बहुत सारे चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है इंडियंस अब्रॉड ऑफिशियल, यहाँ पर आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं और हमें DM भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप कौन कौन सा सस्ता खाना खा सकते हैं और जिससे कि आपका ओवरऑल फूड एक्सपेंस कम हो जाएगा। और गाइज, आज की वीडियो देख के अगर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी दुबई के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। और अगर आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। नाउ यू नो कि आपको दुबई पे खाने की क्या कॉस्ट पड़ेगी और कैसे आप यहाँ पे सस्ते में खाना खा सकते हैं। और अगर आप हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हमें और इस तरह की वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।